सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज हमारा है चौथा दिन क्रावी में। वैसे तीसरा दिन है घूमने का, क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग बस रेस्ट किए थे, तो घूमने का तीसरा दिन है, वैसे चौथा दिन है। और आज हम जा रहे हैं क्रावी के फोर आइलैंड टूर पर। सो बेसिकली क्रावी के आसपास चार आइलैंड्स हैं छोटे छोटे और काफ़ी सुंदर हैं, जैसे रेले बीच है, चिकन आइलैंड है, और एक बीच ऐसा बीच है, दो बीचेस के बीच में एक पाथ बना हुआ है जो लो टाइड्स रहती हैं तो दिखता है। तो ऐसा आज का प्लान है, ये चार बीचेस को देखने का है। फिर उसके बाद शाम को ऑलमोस्ट अराउंड 3-3:30 बजे यहाँ से ख़त्म करने के बाद हम लोग निकलेंगे फुकेट के लिए, क्योंकि आज से हमारा फुकेट का चेक इन स्टार्ट होना है। तो लेकिन हम आज लेट चेक इन करेंगे, तो फुकेट पहुँचने वाले हैं हम ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 5 या 6 बजे के अराउंड। सो यही आज का अपडेट है, ब्लॉग आज से आज का नया क्रावी फोर आइलैंड टूर का होने वाला है। तो बस बने रहो चैनल में साथ में। बाकी अगर पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो इधर या इधर कहीं पे मैंने डाल दूँगा, सेकंड या फर्स्ट ब्लॉग जो भी है उसका लिंक डाल दूँगा, तो उसको ज़रूर देखें। बाकी आज का अपडेट यही है। और इस ब्लॉग को बाय बोलने का आज मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। बट देखते हैं फुकेट में कैसा हमारा स्टे रहने वाला है, वो मैं अभी नहीं फुकेट में जाके दिखाऊंगा। मतलब बाकी इस विला को छोड़ के जाने का आज दिन आ गया है, अब अपन को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यही अपडेट है, बाकी निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको फोर आइलैंड बीचेस पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो अभी हम लोग अपना जहाँ से बोट लेनी है वहाँ पे पहुँच गए हैं फोर आइलैंड टूर के लिए। वो ये नेशनल पार्क थाईलैंड यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे नेशनल पार्क की एंट्री फ़ीस देनी होती है प्लस बोट की फ़ीस देनी होती है। तो अभी हम अपने स्पीड बोट के पास जा रहे हैं, वहाँ से हम बोट लेंगे और देन वी विल डू द फोर आइलैंड टूर। तो अभी मिलते हैं आगे। सो वी हैव रीच द आउनोंग बीच, जहाँ से हम लोगों को अपनी बोट लेनी है। ये पीटर वाली अंडमान एडवेंचर्स ये हमारी बोट है। Then we have to leave. अपनी सारी जनता यहाँ पे खड़ी है। We are just paying the money to the boat owner. I mean tour planner. बस बाकी यहाँ से अब निकल रहे हैं। नाउ आई एम एट टब आइलैंड, और ये क्रावी के जो फोर आइलैंड हैं उनमें से एक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत क्या है कि दो आइलैंड्स आपस में एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, जस्ट लाइक अ राम सेतु। सो अभी तुम ये सामने देख रहे हो, दैट इज़ थेल बीक, और आपको देख रहे हो लोग कहते हैं वॉक करते हुए जा रहे हैं उस बीच पे। तो हम लोग भी जाने वाले हैं उधर ही, थोड़ा सा टब आइलैंड पे रेस्ट करते हैं, देन उसके बाद विल क्रॉस दैट ब्रिज एंड रीच द थेल बीक। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस थेल बीक एंड टब आइलैंड, दे आर कम्बाइंड। हम ये क्रॉस कर रहे हैं वन टब आइलैंड मेरे पीछे, उससे टब आइलैंड से हम लोग अब आगे जा रहे हैं, वो भी थेल बीक। तो रास्ता जैसे मैंने अभी आपको ये रास्ता है,
ये रास्ता है। तो थेल वीक का ये राम सेतु है जो टवाईलैंड से कनेक्टेड है, तो अभी हम लोग उसी के थ्रू जा रहे हैं। और इसमें आना है तो भाई दोपहर से पहले आना, तो फिर हाई टाइड से आएंगे तो ये रास्ता जाने लायक रहता नहीं है। तो बेस्ट है कि 12 बजे से पहले यहाँ तक आ जाओ और फिर टवाईलैंड से थेल वीक जा रहे हैं। बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड जगह है, अनएक्सपेक्टेड एकदम ही, मतलब मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। दिस इज चिकन आइलैंड, यू कैन सी द हेड ऑफ द माउंटेन, इट लुक लाइक अ चिकन, मुर्गा जैसा लग रहा है एकदम। दैट्स चिकन आइलैंड, वो है उसकी मुंडी खोपड़ी, चिकन आइलैंड, सो दैट्स द चिकन आइलैंड। दिस इज स्नॉर्कलिंग पॉइंट एंड यहाँ पे लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं एंड यू कैन सी। कौन से बीच पे आ रहे हैं पुनः हम? रेले हाँ दिखाओ। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रेले बीच पे। यहाँ पे हॉन्टेड हाउस पता मतलब मिला था जहाँ पे स्पिरिट्स रहती थी, तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। मेरा भी ले लो। ये अच्छा दिख रहा है ना सामने वाला? हाँ। अच्छा वो स्पीड डॉक करनी ना थोड़ा कैप्चर नहीं, ये बहुत सही नजारा है। सो वी आर एट रेले बीच एंड अभी हमने यहाँ पे एक ब्रेक लिया है, रेस्टोरेंट हमने एक बहुत सही सा पकड़ा है और वहाँ पे सारी जनता खाना खा रही है। लेट मी शो यू हाउ द रेस्टोरेंट इज। से गाइस हे से हाय मिस्टर रस्टिन, हे बॉयका, अरे तुमने पास्ता नहीं ऑर्डर किया? पास्ता किया है इन लोगों ने ऑर्डर। से हाय। हेलो ए अम्मो, अम्मो दे दिया सर। जगह का नाम क्या है? लेट मी गो। ओके दैट्स द नेम, अवतार बिश्रोवार, अवतार बिश्रोवार। सो यही है बस, अब हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद कहते हैं फिर घर के लिए निकलेंगे, देन वहाँ से बैन पकड़ के हम लोगों को फुकेट जाना है। तो अभी का यही अपडेट है, बाकी खाना खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। सो दिस इज आर लास्ट टाइम इन क्राबी, नाउ वी आर लिविंग, आर वैन्स आर रेडी एंड वी आर लिविंग फॉर फुकेट। सो